अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्यू टैब वी सेवन इसका चार्जिंग का मसला हो तो उसको किस तरह ठीक करते हैं। दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसकी जो चार्जिंग है वो काम नहीं कर रही है। यहाँ पे मैंने चार्जिंग लगाया है तो इस पर चार्ज नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इसका चार्जिंग जैक किस तरह चेंज करना है और इसको किस तरह ठीक करना है, अगर कोई IC वगैरह का मसला हो तो किस तरह आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये खोल के दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये टैब खुल गई है। आपने यहाँ पे इस तरह इसका ढक्कन खोल लेना है और याद रहे मैंने पेच यहाँ से खोल लिए थे, यहाँ पे दो पेच लगे होते हैं, आपने वो पहले खोल लेने हैं। दोस्तों, यहाँ पे इसका ये स्ट्रिप है, ये मैं उतार देता हूँ इस तरह करके। उसके बाद ये चीज़, इसका ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि ये टूट जाती है अगर इसको उतारा ना जाए तो। उसके बाद ये LCD की स्ट्रिप होती है, इसको भी आप इस तरह उतार ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये अब सारी चीज़ें उतर गई हैं। आपने यहाँ पे ये जो बैटरी के टर्मिनल हैं इनको उतार लेना है। और यहाँ पे ये दो स्पीकर के टर्मिनल लगे हुए हैं, इनको भी उतार सकते हैं। जी, तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे से तकरीबन उतारने वाली सारी चीज़ें के कनेक्शन उतार दिए हैं। इन चीज़ों को हम वैसे ही निकाल लेंगे जैसे ये लगी हुई हैं। जी, तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका बोर्ड जो है वो अलग-अलग हो गया है। इसके बोर्ड के ऊपर यहाँ पे ये आप देख सकते हैं चार्जिंग जो जैक है वो सही लगा हुआ है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। तो इसको आपने ठीक किस तरह करना है ये मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी जो नई आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। अगर आप उसके साथ एक घंटी वाला बटन वो दबा देंगे तो आपको जो मेरी नई वीडियो होगी वो नोटिफिकेशन में मिलती रहेगी, तो आप उसको बआसानी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले आपने हीट गन लेनी है, उसका इस्तेमाल इसमें बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ये स्टैंड है तो आप इसमें इसको फिट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको किसी वज़न में भी रख सकते हैं ताकि ये हिले ना। मकसद होता है कि ये ना हिले और आराम से जो इसका काम करना हो बोर्ड के ऊपर वो कर सकता है। तो दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे फिट कर दूंगा इस स्टैंड में। दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसको फिट कर दिया है।
अब ये हीट गन है, ये आपको पता ही होगा, इस हीट गन को यहाँ पे आपने इसके नीचे रखना है बिल्कुल, और नॉर्मल सी हीट पे इसको आराम से जिस तरह बासानी उतर सके आप इसको उतार लें। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने जैक जो है वो अलग कर लिया है। अब आपने नया जैक किस तरह लगाना है वो भी आप वीडियो एंड तक देखते रहिए दोस्तों, आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। दोस्तों ये नया जैक है मेरे पास, इसको आपने सबसे पहले सोल्ड कर लेना है। इसके जो पॉइंट होते हैं वो अगर सोल्ड हुए हुए हों तो दोस्तों ये बड़ी आसानी से जैक लगाया जा सकता है, अगर सोल्ड ना हो तो आप ऐसे इसके ऊपर हीट गन से गर्म करके रख देंगे तो ये सही लगेगा नहीं, अगर लगेगा तो कुछ अरसे बाद ख़राब हो जाएगा या उसे टांके सही क्योंकि जॉइंट जो हैं वो ना लगे हों तो फिर ये मसला करने लगता है। बजाय तो आप लगा के दे देंगे या हम लगा सकते हैं, तो अगर ये सही काम ना करे या 2 4 दिन बाद ख़राब हो जाए तो फिर दोबारा परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए दोस्तों इसके ये जो पॉइंट हैं इनको पहले से ही आप सोल्व कर लें। इस पे इतना टाइम नहीं लगता सोल्डिंग पे, अगर आप ये पहले से ये थोड़ा सा काम कर लेंगे तो आपको मज़ीद बार बार परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी तो दोस्तों आपके सामने मैंने इसको सोल्ड कर दिया है। अब इसी तरह जिस तरह हमने इसके ऊपर से ये जैक उतारा था इसी तरीका से हम इसके ऊपर दोबारा लगा देंगे, तो आप वीडियो एंड तक देखते रहिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों यहाँ पे ये शोल्डर जो है ये थोड़ा सा कम लगा हुआ है, मैं इसलिए यहाँ पे इसकी मिकदार थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ ताकि ये जॉइंट लगने में आसानी रहे। उसके बाद आपने दोस्तों इसी तरीका से जिस तरह जैक हमने उतारा था दोबारा उसी तरीका की मदद से आपने हीट गन ले लेनी है, उसी तरीका से आपने दोबारा उसको गर्म करना है, गर्म करके ऊपर जिस तरह जैक उतारा था उससे इसी तरह आपने दोबारा रख देना है उसके ऊपर, तो वो बिल्कुल सही अपनी जगह पे लग जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपके सामने जिस तरह जैक उतारा था उसी तरह दोबारा वापस लगा दिया है, तो ये जैक जो है बिल्कुल कंफर्म लग गया होगा। इसको मज़ीद चेक कर लेते हैं कि कहीं से कोई मसला तो रह नहीं गया, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बिल्कुल ठीक लग गया होगा।
मज़ीद आप इसको यहाँ पे इसके जो कोने हैं इसको सोल्ड कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि ये यहाँ से सोल्ड सही नहीं हुआ। तो मुझे लगता है ये सोल्ड हो गया है, बिल्कुल ठीक काम करेगा। तो इसको मैं स्टैंड से उतार लिया मैंने, अब इसको दोबारा हमने वापस इसके बोर्ड में फिट करना है, बिल्कुल उसी तरीका से जैसे कि ये पहले लगा हुआ था। सबसे पहले आप यहाँ पे स्पीकर की सेटिंग कर लें, उसके बाद जो है वो आप बोर्ड को भी लगा सकते हैं। जी तो दोस्तों बोर्ड को दोबारा मैंने उसकी अपनी जगह पे लगा दी है। अब मैं सिर्फ इसकी एलसीडी जो है उसको लगाऊंगा और दूसरी बैटरी को लगाऊंगा चेक करने के लिए। अगर ये परफेक्ट काम कर रहा है, वर्किंग कर रहा है बिल्कुल ठीक, तो बाकी बाद में मैं इसके जॉइंट लगा दूंगा। अगर नहीं कर रहा तो फिर मुझे दोबारा से चेक करना पड़ेगा कि क्या इसमें कोई मसला रह गया है या नहीं। अब तो दोस्तों इसमें मैं ये इसमें पिन लगाता हूँ, दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट चार्जिंग कर रहा है। तो इसका मतलब है इसका चार्जिंग जैक जो है वो बिल्कुल ठीक परफेक्ट काम कर रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो एक नए ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।